हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, स्केल ऑफ मेजरमेंट दैट मींस, अगर मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं एंड आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो मतलब क्वांटिटी हो चाहे वो क्वालिटी में हो, तो मेजर तो आपको करना होगा। मेजर क्यों करना, भाई टेस्ट लगाओगे तभी तो आप देखोगे कि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको उसको मेजर तो करना होगा। तो ये डिपेंड करता है ओवरऑल किस पे डेटा है, यानी कि आप डेटा किस नेचर का आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे वो सेकेंडरी डेटा हो, कुछ भी हो, और ओवरऑल जो डिपेंड करता है कि आपका डेटा का नेचर क्या है। तो आइए समझते हैं कि स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है एंड इसको हम किस तरीके से, यानी कि डेटा के नेचर क्या क्या होता है, उसको हम किस किस तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छे जो है, जब मेजरमेंट की उन्होंने डेफिनेशन दी है, क्या बताया उन्होंने, देखिए, इफ अ थिंग एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट इन सम अमाउंट एंड इफ इट इट एग्जिस्ट इन सम अमाउंट देन इट कैन बी मेजर्ड एंड दिस कोट इज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। बहुत अच्छे उन्होंने स्टूडेंट बोली है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा या उसकी कोई वैल्यू होगी, और उसकी वैल्यू है तो दैट मीन्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे देखते हैं। पहले देखते हैं कि विच मेजर स्केल शुड बी यूज, क्या मतलब है उसका। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम उसको वेट देखना है तो हम वेट किस में देते हैं, ग्राम में या केजी में। लेकिन अगर वही वेट, लेकिन अगर वही किसी लिक्विड का अगर हम वेट देखना चाहें तो वो किस में आता है, लीटर में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी यूनिट चेंज होगी। तो यहाँ पर भी आपका देखो ओवरऑल जो डिपेंड करता है आपका डेटा का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होती है तो हमें भी देखना होगा कि पहले डेटा का टाइप क्या होता है, उसके बाद देखेंगे मेजरमेंट। तो देखिए, स्केल ऑफ मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट यानी आपका जो डेटा का नेचर ओवरऑल जो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज होता है। एक होता है आपका कंटिन्यूस स्केल, या इसको बोलते हैं मैट्रिक डेटा भी बोल सकते हैं इसको। एक होता है आपका कैटेगोरियल, एक होता है आपका मैट्रिक। जो कैटेगोरियल होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, और मैट्रिक डेटा को बोलते हैं कंटिन्यूस। पहले हम इसको समझते हैं। इसमें आपके फर्द जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। यानी कि नॉमिनल ऑर्डिनल क्या हो गया आपके डिस्क्रीट सीरीज, या बोल सकते हैं उसको कैटेगोरिकल स्टेट स्केल। वहीं अगर देखा जाए कंटिन्यूस में यानी कि मैट्रिक, तो आपका इंटरवल एंड रेशो दो मेन होते हैं जो कंटिन्यूस के लिए आपका पार्ट है। तो मेजरली आपके दो डिवीजन होती है, दैट इज कैटेगोरियल एंड कंटिन्यूस, एंड फर्दर वो दो दो पार्ट में जुड़े, यानी कि भी देखा जाता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। दीज आर फोर मेन टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, या वेरिएबल बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह के आ सकते हैं। आइए इनको वन बाय वन समझते हैं। देखिए, नॉमिनल अगर डेटा है तो इसको बोलते हैं नेम्ड वेरिएबल। नेम्ड इन द सेंस यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन को वो डिनोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल। ऑर्डिनल इन द सेंस यानी कि ऑर्डिनल किसी भी डेटा को वो ऑर्डर में उसको मींस उसको जो है अरेंज कर देता है, चाहे वो मींस असेंडिंग में हो या आपका डिसेंडिंग में हो या कुछ भी ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑर्डर दे दिया, जैसे रैंक दे दी। ठीक है, तो ओवरऑल किस में आ गए, ऑर्डिनल में। देन अगर मान लीजिए डेटा आपका इंटरवल आ गया, यानी मीन्स हमने इसको रेंज दे दी कि मान लीजिए इनकम लेवल हो गया। ठीक है भाई, इस इनकम ग्रुप लेवल जो इस इनकम लेवल में इस ग्रुप में आ गए, तो एक रेंज दे दी, यानी कि परफेक्ट नहीं बताया, एक रेंज दे दी। तो इसमें नेम भी आ गया, ऑर्डर भी, रैंक भी दे दी, और एक प्रोपोर्शनल इंटरवल भी बता दिया कि जैसे मान लीजिए आपको पता होगा, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में करते थे, आप क्लास इंटरवल बनाते थे लाइक 0 to 1, 10 to 20, 30 to 40, ये वही इंटरवल डेटा हो गया होगा। फिर आपका रेशो, रेशो इन द सेंस आपका जो डेटा आपका बिल्कुल आपका मीन्स कह सकते हो कि स्केल में, यानी कि आपका बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि इसमें परफेक्ट है। इस परफेक्ट इन द सेंस जैसे मतलब वाला इनकम, यहाँ पर बताएंगे इनकम लेवल, लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम जो एग्जैक्ट आएगी, चाहे वो इनकम आप एब्सोल्यूट फॉर्म में बतानी पड़ेगी। अब एब्सोल्यूट आपकी जीरो भी हो सकती है, यानी कोई कमा ही नहीं रहा, या किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या रेशो, इनकम होगी, सैलरी हो गया,
किसी का वेट हो गया, एग्जेट हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रेशो में, जैसे अब इसमें देखिए नेम्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनेट एंड कैन कम कम अकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो आल्सो। देखिए इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते, हाँ इंटरवल दे सकते हैं लाइक 0 to 100, 0 to 200, बट मान लीजिए कोई अगर 0 to 200 वाली है और कोई जिसकी 100 भी है तो वो भी उसी में आ गया, जिसका 1 है उसको वही उसमें आ गया, जिसका 0 है वो भी उसमें आ गया, तो वो क्या एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो आपका डिफाइन करता है, राइट। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं आगे क्या है ये। पहले बात करते हैं नॉमिनल की, बेसिक डिस्क्रिप्शन के क्या है, नंबर्स आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को हम इजीली हम आइडेंटिफाई करना, उसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। जैसे देखिए जेंडर, इसको हम देखिए मैंने कहा था ये नॉमिनल ऑर्डर आपके क्या है, आपके कैटेगोरिकल डेटा है कि उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है, अब ये मीन्स दो पार्ट में, इनको दो पार्ट में हमने या फिर बोल सकते हैं दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया। अब ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कोई मेल है तो वो मेल ही है वो फीमेल के ग्रुप में क्यों जाएगा, या कोई फीमेल है तो फीमेल है वो मेल के ग्रुप में क्यों जाएगी, ठीक है, तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल सिटीज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जैसे दिल्ली के हैं, ठीक है, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, ठीक है, तो सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने अलग अलग सिटी से जो डेटा कलेक्ट किया तो आपने डेटा जो सिटी बाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा नॉर्मल डेटा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम जो यहाँ पर इसको बोलते हैं नॉर्मल स्केल। अब बात करते हैं ऑर्डर की, यानी कि अभी बताया था मैंने ऑर्डर देना, यानी कि किसी भी डेटा को आप किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। जैसे बोला नंबर्स इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशंस, एक पोजीशन बताता है यानी कि रैंक बताता है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। जैसे मैं बताता कि उनमें डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि जैसे कुछ लोगों का डेटा जो है मान लीजिए डिफरेंस कर दिया, जैसे जैसे बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को जैसे हमने कर दिया लो मतलब पुअर क्लास में, कुछ को मिडिल क्लास में, कुछ को हाई क्लास में हमने कर दिया, लेकिन हमें एग्जैक्ट कैसे पता हुआ कि पुअर क्लास के लोग जो इसी क्लास से बिलोंग करेंगे, ऑब्वियसली इनकम पे नेचर रहेगा, लेकिन हमने क्या इनकम ने हमें हमने कोई एग्जैक्ट इनकम यहाँ पर डिफाइन किया नहीं की, लेकिन फिर भी हमने इनको एक ऑर्डर दे दिया, एक रैंक दे दी इनको, ठीक है। जैसे देखिए आपका कॉमन एग्जाम्पल कहते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल, ऐसे आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपने उसको एक रैंक दे दी 1 to 10, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका ऑर्डर डेटा। ऐसे आप किसी भी और आप रैंक दे सकते हो। तो ये था आपका ऑर्डिनल स्केल। अब बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है, दैट मीन डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कंपेयर्ड, 0 point इज आर्बिट्ररी। पहले समझते हैं इसका, दैट मीन जीरो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड। जैसे देखिए मैंने आपको दिया था इसका एग्जाम्पल, देखिए टेम्परेचर इनकम स्केल, जैसे कि टेम्परेचर आपका जैसे आ गया, अब टेम्परेचर आपका माइनस में हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है, जैसे 0 to 5, 0 to 10, 10 to 30, 40, ऐसे आपने इंटरवल बता दिया। तो अब इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, यानी कि जैसे सेम आपने डिफरेंस कर दिया 0 to 10, देन 10 to 20, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आप कर सकते हो कि ये पीपल जो इस लेवल पे यहाँ पर बिलोंग करते हैं और ये रिस्पोंडेंट जो यहाँ पर इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर बिल्कुल एक सेम है। अब लिखा हुआ है 0 point इज आर्बिट्ररी, मतलब कि जैसे मैंने बताया था जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 5, ठीक है, तो जो 5 वाला है वो भी इसी कैटेगरी में आ गया, जो 0 है वो भी इसी कैटेगरी में आ गया, तो इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर 0 point इज आर्बिट्ररी। देन कमिंग टू लास्ट दैट इज कॉल्ड रेशो, यहाँ पे 0 point इज फिक्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आपको डेटा आपको एक एब्सोल्यूट फॉर्म में आपको क्रिएट करना होता है। आप किसी को सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एज क्या अभी, कोई बोलेगा 43, कोई बोलेगा 84, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो बताएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 0 point इज फिक्स, यानी कि आप 0 भी को भी मेजर कर सकते हो। देन रेशियो ऑफ स्केल वैल्यूज कैन बी कंपेटेड, वो इजिली कंट्रोल कर सकते हो। कॉमन एग्जाम्पल जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, सैलरी होगी, एज होगी, ठीक है, तो वो आप इजिली इसको आप यहाँ पर रेशियो स्केल में कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन कौन सा टेस्ट हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। जैसे देखिए आपको नॉमिनल डेटा की,
तब इनइक्वालिटी चेक कर सकते हो, जैसे मीन डिफरेंस, मोड देख सकते हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, का स्क्वायर लगा सकते हो आप इसमें, ईयर आप एसोसिएशन देख सकते हो, देन आप एनालिसिस ऑफ वेरियंस लगा सकते हो, एनोवा टेस्ट लगा सकते हो इसमें आप। अगर आपके पास ऑर्डिनरी डेटा है तो आप टी टेस्ट लगा सकते हो, रैंक लगा सकते हो, यानी कि अगर आपका डेटा आपका नॉन पैरामेट्रिक है तो आप रैंक वाइज भी इसको कर सकते हो, देन मोड लगा सकते हो, मीडियन लगा सकते हो, कास्कोर टेस्ट लगा सकते हो, रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हो उसमें आप, और इसमें एनालिसिस ऑफ वेरियंस। इंटरवल में देखिए आप ऑलमोस्ट सब निकाल सकते हो, क्या नहीं निकाल सकते इसमें आप, कैस का टेस्ट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये कौन सा टेस्ट, क्यों इंटरवल कौन सा था आपका, एक तरह से आपका ये आपका एक आपको एक स्केल बताना होता है ना आपको उसमें, तो इसलिए आप इसमें मेट्रिक डेटा होता है आपका, ठीक है, तो उसमें कैस का टेस्ट लगा ही नहीं सकते, कोरिलेशन लगा सकते हैं, रैंक कोरिलेशन, रैंक तो होते ही नहीं इसमें आपकी, और एनालिसिस ऑफ वेरियंस में कर सकते, क्योंकि आपके इसमें आपको कोई कोई भी कैटेगोरियल डेटा नहीं है, अगर जो नहीं है तो वो तो आप टेस्ट लगा नहीं सकते। इसमें आप ऑलमोस्ट सब लगा सकते हो एक्सेप्ट दीज ऑल्सो, ठीक है। सो स्टूडेंट, दीज दीज आर ऑल अबाउट दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्केल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।